हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के बारे में, वर्टिकल मूवमेंट के बारे में एंड रोटेशनल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में अगर आपको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है तो वो कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल में फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वो कैसे करना है, उसके बारे में देखा था। एंड जो थर्ड था रोटेशनल मूवमेंट, उसमें हमने देखा था कि किसी आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगर 360 डिग्री रोटेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से डिसअपियर करना है, हाइड करना है, तो वो आप कैसे करोगे। आपका कोई ऑब्जेक्ट है या फिर आपका कोई रेक्टेंगल है या फिर आपका कोई इलिप्स है या फिर आपका कोई सिंबल है, ठीक है, उसे आपको स्क्रीन से हाइड करना है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, एंड अगर आपका कोई कंडीशन है कि मेरा काउंटर का वैल्यू इन बिटवीन 50 एंड 70 हो तभी मेरा ऑब्जेक्ट हाइड होना चाहिए, या फिर ग्रेटर देन 50 हो तब मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज कैसे करनी है वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें साइटेक्स स्टूडियो ओपन करना है। उसके बाद हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सो एड न्यू प्रोजेक्ट, देन हमारे प्रोजेक्ट का नेम टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें इस प्रोजेक्ट को एक्टिव करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ग्राफिक्स बिल्डर में जाना है, यहाँ पे हमें एक नया पेज क्रिएट करना है, उसका हमें रिजोल्यूशन सेट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो टेम्पलेट है उसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिया एंड यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ठीक है, उसका जो लाइन विड्थ है उसका हम साइज बढ़ा देते हैं, उसके बाद उसे फिल कर देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद उसका जो कॉर्नर रेडियस है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये अब हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे इसे डिसअपियर करना है मेरे स्क्रीन से, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बटन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसका साइज मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटरनल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं सिस्टम मॉडल में गया, वेरिएबल्स में गया एंड यहाँ पे लोकल में गया। यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम var1, उसके बाद इसका डेटा टाइप है डिजिटल। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में हम गए, उसके बाद अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो हिडन व्हेन, आपको इस ऑब्जेक्ट को कब हाइड करना है अपने रन टाइम स्क्रीन से। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल था var1, जब भी उसका वैल्यू 1 हो जाए तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे स्क्रीन से हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो उसके बाद हमने यहाँ पे ओके पे प्रेस कर दिया। अब ये जो हमारा बटन है उसमें हम टॉगल प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे टॉगल एंड var1। ठीक है, सो जब भी हम इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा जो वेरिएबल वन करके जो हमने टैग क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, टॉगल करेगा। ठीक है, अगर उसका वैल्यू जीरो है तो वन करेगा, वन है तो जीरो करेगा, बिकॉज इट्स डिजिटल टैग। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसका फंक्शन असाइन कर दिया एंड देन ओके पे प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इस पेज को हम सेव कर लेते हैं पेज अंडरस्कोर वन। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं एंड देन सेटअप विजार्ड में। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस सेटअप, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे शो मास्टर पेजेस ओनली को डिसलेक्ट करना है, हमारा यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे पैक करना है, अगेन इसे कंपाइल करना है। ठीक है, एंड उसके बाद इसे रन करना है। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हैं मेरा ये ऑब्जेक्ट मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया मेरा ऑब्जेक्ट स्क्रीन से डिसअपियर हो गया। अगेन मैं इस बटन को प्रेस करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक को इस तरह से लिखा था कि जब भी इस वेरिएबल का वैल्यू 1 हो तभी मेरा ऑब्जेक्ट हाइड होना चाहिए, ठीक है। सो जब भी आप बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल 1 का जो वैल्यू है वो टॉगल होता है, ठीक है। जब भी वेरिएबल 1 का वैल्यू 0 होगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे दिखेगा, एंड जब भी मेरे वेरिएबल 1 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे उसका वैल्यू टॉगल होगा। सो अभी उसका वैल्यू 0 है, तो जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया वैल्यू टॉगल हुआ, 1 हुआ, एंड मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाइड हो गया, ठीक है। अगर मुझे वापस इस ऑब्जेक्ट को शो करना है सो अगेन मैं इसे टॉगल करूंगा, ठीक है, अब उस वेरिएबल 1 का वैल्यू 0 हो गया, सो दैट्स व्हाई मुझे वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी स्क्रीन से हाइड कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जो भी कंडीशन लिखनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे हाइड हिडन व्हेन, ठीक है। अगर आपका कोई काउंटर है, ठीक है, अगर उसका वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ रहा है तब आपको इस ऑब्जेक्ट को हाइड करना है, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसका भी हम एक सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी इस रन टाइम को क्लोज करते हैं, साइटेक्स स्टूडियो को मिनिमाइज करते हैं, एंड हमारे जो काउंटर वाला जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसे ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद पीएल्स, उसके बाद यहाँ पे लॉजिक सेक्शन में हमारा काउंटर, ठीक है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, काउंटर 100 तक जाएगा, ठीक है। सो अभी इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, तो यस, एंड देन पीएलसी को सिमुलेशन मोड में एंड देन कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर प्रोजेक्ट टू पीएलसी, एंड यहाँ पे पीएलसी टर्न आफ्टर ट्रांसफर पे क्लिक करना है एंड देन ट्रांसफर। सो आपका प्रोजेक्ट जो सिमुलेटेड पीएलसी है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सो कंफर्म टर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड देन यहाँ पे ओके, ठीक है। अब हमारा ये जो काउंटर है उसे एनिमेशन टेबल में इनिशियलाइज करता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक टैग अवेलेबल है परसेंटेज MW0 जो कि इंटीजर टाइप टैग है एंड उसका वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एवरी सेकेंड उसमें +1 हो रहा है, ठीक है। सो अब इस टैग को हम साइटेक्स काडा के साथ कनेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे कि अगर इस ये जो टैग है उसका वैल्यू 50 से ज्यादा हुआ तभी मेरा ये ऑब्जेक्ट हाइड होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले तो हमें इस सिमुलेटेड पीएलसी एंड साइटेक्स काडा के बीच में कम्युनिकेशन करना होगा, तो हमें सबसे पहले जाना होगा टॉपोलॉजी में, उसके बाद आईओ डिवाइस में हमें एक नया आईओ डिवाइस क्रिएट करना होगा मोडबस के लिए। सो यहाँ पे क्रिएट न्यू आईओ डिवाइस, सो फॉर मोडबस प्रोटोकॉल, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया मोडबस एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद मेरा पीएलसी है M580 एंड मेरा प्रोटोकॉल है मोडबस टीसीपी ईथरनेट प्रोटोकॉल, सो उसे मैंने सिलेक्ट किया एंड देन नेक्स्ट। मेरा आई पी एड्रेस 127.0.0.1 एंड मेरा पोर्ट नंबर है डिफॉल्ट पोर्ट 502, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश, ठीक है। उसके बाद मुझे जाना है सिस्टम मॉडल में, मेरे वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करना है, सो यहाँ पे वेरिएबल में गया, मेरे टैग का नेम है वेरिएबल 2, क्लस्टर का नेम है क्लस्टर 1, आईओ डिवाइस है मेरा मोडबस, डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, एंड एड्रेस है परसेंटेज MW0, ठीक है। अब मैंने इसे सेव कर दिया, इसे कॉपी किया, ठीक है, एंड हम ग्राफिक्स बिल्डर में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर वाला जो टूल है उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टूल हमने यहाँ पे ले लिया, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल 2 का कितना करंट मेरा जो काउंटर है उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो मुझे स्क्रीन पे शो करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल 2, उसके बाद हमने इसका ओपिनियन चेंज कर दिया 26 बोल्ड एंड देन ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है तभी हाइड होना चाहिए जब मेरे काउंटर का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 50, ठीक है। मतलब कि अगर मेरा वैल्यू 50 से नीचे है, बिलो 50 है, तो मेरा वो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे शो होना चाहिए। अगर मेरा वैल्यू 50 से ज्यादा हो गया तो मेरा ऑब्जेक्ट स्क्रीन से हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वार 2 एंड मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना लिखना है कि जब वार 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो तभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हाइड होना चाहिए, ठीक है। हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं, पहले तो एक कॉपी बना लिया, उसमें हम उसे हाइड करते हैं, ठीक है।
ये इसके लिए है। सो यहाँ पे इसे अलाइन कर देते हैं सेंटर, ओके। उसके बाद इन दोनों को सेंटर, ओके। एंड उसके बाद इन दोनों को लेफ्ट साइड अलाइन कर लेते हैं एंड इन दोनों को भी लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसमें कौन सा कंडीशन है, जब मेरे इंटरनल वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा तभी वो हाइड होगा, इट मींस मैं जब बटन प्रेस करूंगा तब ये वाला ऑब्जेक्ट हाइड होगा, एंड अगेन मैं बटन को प्रेस करूंगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मुझे ये कंडीशन रखना है कि मेरा जो वेरिएबल 2 है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 50 हुआ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे बस सिर्फ यहाँ पे इतना करना था कि वेरिएबल 2 ग्रेटर देन 50 देन मेरा ऑब्जेक्ट हाइड होना चाहिए। सो मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना कंडीशन टाइप करना था, ठीक है। सो अब इस पेज को हम सेव करते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को पैक करते हैं, उसके बाद इसे कंपाइल करते हैं। एंड देन इसे रन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो काउंटर है उसका वैल्यू जैसे ही 50 से ज्यादा हुआ ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसे मॉडिफाई करके अगेन 0 कर देता हूँ इस काउंटर की वैल्यू को, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखिए जब तक मेरा वैल्यू 50 नहीं होगा तब तक मेरा ये ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे शो होगा, उसके बाद जैसे ही मेरे काउंटर का वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो जाएगा ये मेरा ऑब्जेक्ट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अगेन मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसे डिसअपियर करना है तो मुझे सिर्फ बटन प्रेस करना है, वो ऑब्जेक्ट डिसअपियर हिडन हो गया, ठीक है। अगर मुझे वापस देखना है तो अगेन मैंने प्रेस किया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंटर का वैल्यू एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्टेटस, ठीक है। सो हम वेट करते हैं जब तक हमारे काउंटर का वैल्यू 50 नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही मेरे काउंटर का वैल्यू 50 से ऊपर गया मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप जो हिडन प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे आपको कंडीशन देना है कि हिडन व्हेन, आपको इस ऑब्जेक्ट को कब हाइड करना है उसका कंडीशन, ठीक है। अगर वो जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से हाइड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से हाइड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल विजिबिलिटी का प्रॉपर्टी आपको मिलेगा अपीयरेंस में, आपको सिर्फ उस पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे अपना कंडीशन डिफाइन करना है कि जब मेरे वेरिएबल 2 का वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो तब हाइड होना चाहिए। अगर आपका कंडीशन कुछ और है तो वो कंडीशन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है एंड जब वो कंडीशन फुलफिल होगा तो आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन से हाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं एंड उसके बाद अगेन उसे अपियर करना है तो उस कंडीशन को 0 करते हैं, यानी उस कंडीशन अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हिडन वाला जो प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी वाला प्रॉपर्टी उसका यूज होता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है कि विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन कैसे रखनी है, तो वो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, हम उसके भी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉपर्टी पे, शायद हम स्केलिंग वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, स्केलिंग वाला प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलिंग वाला प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड एज ऑलवेज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन और इन द ईमेल बॉक्स। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।